News 18, India. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडी गठबंधन में फूट अब खुलकर सामने आने लगी है। इस बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को अहंकारी पार्टी बता दिया है और साथ ही ये भी दावा कर दिया कि इस बार कांग्रेस 40 सीटें भी शायद ही जीत पाए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती दे दी है कि वो वाराणसी से बीजेपी के खिलाफ जीत कर दिखाए। যারা কোনোদিন চায়ের দোকানে বসেইনি, চা বানাতে জানেই না, বাচ্চাদের আদর করেইনি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাদ্যে জানেই না কোনোদিনও, বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়, খেতেই পারে, আমাদের গ্রামীণ লোকেরা অনেকে বিড়ি খায়, বুকের পাটা থাকতো দেখতাম, ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, আজ তোমাদের এত অহংকার, বুকের পাটা থাকতো দেখতাম, ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার, আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম দুটো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো, বললো হবে না, আমি মনে কটা চাই 42টা, আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও, রিজেক্টেড, পারে না, শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি, সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। वहीं ममता बनर्जी के इन आरोपों पर कांग्रेस बिफर गई और उन पर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से जलने का आरोप लगाने लगी। गठबंधन मुंह में बोलने से नहीं होता है, उसका नैरेटिव भी अलग होना चाहिए, रवैया भी अलग होना चाहिए, आप कांग्रेस को कैसे डील कीजिएगा वो भी अलग होना चाहिए। जलने से कुछ नहीं होगा, राहुल जी या गांधी परिवार का कोई रास्ते में उतरेगा तो लाखों के तादाद में लोग आएगा, हाथ हिलाएगा, फूल देगा, चॉकलेट देगा, यही है राहुल गांधी, यही है गांधी मैजिक, इससे जलने से कोई फायदा नहीं है ममता बनर्जी। तो वहीं बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने गठबंधन को स्वार्थी गठबंधन करार दे दिया है। पता ही था जब इंडिया गठबंधन हुआ था, इंडिया अलायंस हुआ था, तब पता था ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आए हैं, स्वार्थ को अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो चले जाएंगे। और कांग्रेस का भी इतना हिम्मत नहीं है कि ममता बनर्जी को कुछ बोले, कांग्रेस अभी देश से खत्म हो रहा है, जितना भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है उतना एक एक राज्य हमारे बीजेपी के लिए आ रहा है। सेकेंड बार भारत जोड़ो यात्रा किया, इस टाइम में वो एकदम देखिए ना, कुछ भी नहीं आएगा उसका, कोई सांसद वापस नहीं आएगा पार्लियामेंट में। और तृणमूल को देखा कि अपना स्वार्थ के लिए सीबीआई ईडी से बचने के लिए उसका हाथ पकड़ता, अभी देख रहा है कि खुद का कांग्रेस के ऊपर कुछ नहीं है तो उसके साथ जाके क्या करे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्धमान में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं से उनके इलाकों का हाल जाना। बैठक में टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद रहे। दावा किया गया कि टीएमसी एक बार फिर से आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बना सकती है। और उधर ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमलावर होने के बाद बीएसपी भी कांग्रेस को कड़े तेवर अब दिखा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। बीएसपी सांसद मसूख नागर ने ये दावा कर दिया है कि अगर कांग्रेस और बाकी गठबंधन के दलों ने मायावती को पीएम फेस बनाया होता तो आज की तस्वीर कुछ बदली हुई दिखाई देती। अगर वो समझदारी से काम लेती, अपने सारे पार्टनरों को इकट्ठा करती और हमारे चार प्रदेशों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह जो विधायक डांका डाल के लेके उसकी माफी मांगते और कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते तो आज नजारा कुछ और होता। 400 के पार नहीं, 278 सरकार बनने की मुश्किल हो जाती, बराबर की टक्कर पे चुनाव हो रहा होता। तो कांग्रेस आज कुछ भी बोल दे, बोलने से कुछ नहीं होता,
माहौल देश का बिल्कुल साफ दिख रहा है। बिहार में जेडीयू और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गठबंधन और कांग्रेस से छुटकने के बाद महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट के बादल है। दरअसल महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के लिए एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी ने कल बैठक बुलाई थी, जिसमें इंडिया अलायंस को लेकर खुलकर मतभेद सामने आए। बैठक में पहली बार शामिल हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने एमवीए के नेताओं को खरी खरी सुनाते हुए आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस अब नहीं रहा है, वो खत्म हो चुका है। तो मतभेद तो पहले थे, लेकिन अब खुलकर नेता बोल रहे हैं कि अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है, खत्म हो चुका है। आखिरी पार्टनर एसपी थी, वो भी चली गई है, ये प्रकाश अम्बेडकर ने कहा है और खरी खरी सुनाई है। इंडी गठबंधन अब खत्म हो चुका है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतभेद पहले भी थे, सीटों का फॉर्मूला पहले भी तय नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब खुलकर नेता बोल रहे हैं। नीतीश जी अलग गए हैं, आप ये अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है, और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट का मतलब नाम डिक्लेयर किया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये साथ में है, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाहते। और प्रकाश अम्बेडकर के इन आरोपों के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता नाना पटोले डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए। दोनों ने यह दावा कर दिया है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और सीट शेयरिंग पर बातचीत लगातार जारी है। प्रकाश अम्बेडकर जी आज हमारे बैठक में शामिल हुए, बहुत सी बातें बैठक में रखी, चर्चा हुई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा हुई और सब कुछ ठीक चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है प्रकाश अम्बेडकर जी और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जो पहले ही हुआ है वो अब महाविकास आघाड़ी में उनको शामिल कर दिया है, तो जरूर उनकी सूचना और उनके मार्गदर्शन का आदर किया जाएगा। हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई, उसमें खुद प्रकाश अम्बेडकर जी भी उसमें शामिल हुए थे। उन्हें जो पहले मीटिंग में उनके जो लोग आए थे, उन्हें जो प्रस्ताव दिया था, 25 मुद्दे उन्हें दिए थे, उस मुद्दों के ऊपर एक कमेटी बनाने का आग्रह उनका था। पृथ्वीराज चौहान जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएंगी, सभी दलों के उसमें प्रतिनिधित्व रहेंगे और 8 दिन के अंदर वो प्रस्ताव को सकारात्मक दिया जाएगा। उधर प्रकाश अम्बेडकर के आरोपों पर बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगाया कि चुनाव लड़ने से पहले ही गठबंधन के नेताओं की आपस में जंग शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में बचे कुचे घमंडी अलायंस की बैठक हुई, बैठक के पश्चात जो पत्रकार वार्ता हुई, उस पत्रकार वार्ता में स्वयं घमंडी अलायंस के एक नेता प्रकाश अम्बेडकर जी ने इस बात को स्वीकार किया कि यह अलायंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है।